वेलकम टू द जीके के बायोलॉजी चैनल मैं हूँ नीट गुरुजी जी तो एक और हम वीडियो लगा रहे हैं नीट 2021 में भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी एग्जाम हो चुका है ठीक है जी अब दिमाग में हमारे आंसर की भी मैच कर चुके हैं बच्चे अब दिमाग में ये आ रहा है कि भाई जो कट ऑफ जाएगी एक्सपेक्टेड वो क्या जाएगी तो देखो जब काउंसलिंग होती है तो उसमें दो चीज होती है एक तो होता है ऑल इंडिया कोटा जो कि पंद्रह परसेंट सीट जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर रिजर्व कर दी गई है कि कोई भी स्टूडेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है तो ऑल इंडिया कोटा क्यों यूज करते हैं हम भाई जैसे एम्स हो गया दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हो गए और जो भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको पाने के लिए अब कोई बच्चा जैसे राजस्थान में है वो चाहता है मैं दिल्ली आना चाहता हूँ तो उसको ऑल इंडिया कोटा में भरना पड़ेगा काउंसलिंग में अगर रैंक अच्छी है तो मिल सकती है ठीक है तो ये है उसके अलावा जो एट्टी फाइव परसेंट पर होता है तुम्हारा स्टेट कोटा ठीक है जी अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है तो वो भी बताऊँगा तो देखो ऑल इंडिया कोटा में वैसे तो फायदा ऑल इंडिया कोटा में तब है जब आपको किसी कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है जब नहीं मिल रहा तो अपने स्टेट में रहो तो जनरल कैटेगरी की भाई 570 से लेके 580 के बीच में मतलब लास्ट एमबीबीएस जो मिलेगी जनरल कोटे में ऑल इंडिया कोटा में वो 570 से लेके 580 के बीच में रहने वाली है मतलब इससे कम है तो थोड़ा रिस्क है उस बच्चे को स्टेट कोटा में मिल सकता है ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा लेकिन स्टेट कोटा में क्योंकि उसमें 30-40 नंबर कम ही रहते हैं ऑल इंडिया कोटा से ई की जो एक्सपेक्टेड लगाई गई है वो पाँच से पाँच के बीच में रहने वाली इतने पर ऑल इंडिया कोटा में एम लास्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओबीसी की बात करें तो भाई 540 से लेके 550 के बीच में रहने वाली जो लास्ट कैंडिडेट जाएगा एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा की बात चल रही है अभी स्टेट कोटा में 30-40 नंबर कम हो सकते हैं ये मैं अभी भी कह रहा हूँ वो डिपेंड करेगा कि उस स्टेट के बच्चों ने कैसा परफॉर्म जैसे मध्य प्रदेश हो गया अब ये डिपेंड करता है कि मध्य प्रदेश के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है तो एट्टी सीट तो इन्हीं स्टेट के बच्चों के लिए है अगर यहाँ के बच्चों ने थोड़ा बहुत अच्छा तो यूजली तीस चालीस नंबर का फर्क होता है और दिल्ली जैसे स्टेट में तो बीस बाईस ही नंबर का फर्क होता है ये जो कट ऑफ लगाई जा रहे हैं ना इससे बीस बाईस नंबर का ही कट ऑफ होता है दिल्ली जैसे स्टेट में तो एस के लिए भाई पांच सौ दस से पांच सौ पच्चीस और एस के लिए चार सौ नब्बे से पांच सौ दस ये है जो लास्ट नंबर जिस पे एमबीबीएस मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा में अब बात कर लेते हैं भाई स्टेट वाइज की वाट अबाउट द स्टेट वाइज जैसे उत्तर प्रदेश है अड़तालीस मेडिकल कॉलेज है फोर्टी एट तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 570 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है तो यहाँ हो सकता है कि 520 में ही एमबीबीएस मिल जाए उत्तर प्रदेश में 520 525 पे भी मिल जाए राजस्थान यहाँ भी यही सिचुएशन हो सकती है 530 तक 535 तक गुजरात यहाँ भी तो ये डिपेंड करता है कि भाई किस स्टेट के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है और वो वहाँ की एट्टी सीट उसी राज्य के बच्चों के लिए है तो हर अपने अपने स्टेट का अपना अपना एक मेडिकल काउंसिल जो कमेटी होती है वो है स्टेट की भी है अपनी एक तो नेशनल लेवल की है स्टेट की भी है तो उनकी वेबसाइट पे जाके और इतना डेटा कलेक्ट करना बहुत समय लग सकता है तो कोशिश की जाएगी कि स्टेट वाइज भी बनाई जाए तो अभी ये ऑल इंडिया का था बाकी स्टेट का मैंने बता दिया इससे तीस चालीस नंबर का फर्क होता है उसमें तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ और अगर आपके मन में कुछ पॉइंट आ रहा है तो आप बता सकते हैं उसको भी सजेशन में काउंट किया जाएगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2021 के लिए ऑल इंडिया कोटा में यही मान के चल रहे हैं तो फटाफट से जी के व्यक्ति बायोलॉजी बाय नीट गुरु जी सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नीट से रिलेटेड फटाफट से पाएं